और अब मेरा वार्ड मेरी समस्या में हम बात करेंगे 12 के मांगरोल रोड की। जी हाँ, मांगरोल रोड पर राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा बनाई जा रही सड़क का ठेकेदार द्वारा अधूरा निर्माण करने से आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को मांगरोल रोड पर जाम लगा दिया। वहीं उन्होंने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार पर सड़क खोद कर पटकने व 1 माह से काम बंद करने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा 1 माह से सड़क को खोद करके पटक रखा है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधूरा सड़क निर्माण होने से कल भी एक बाइक सवार नाले में गिरता गिरता बचा, वहीं आज एक 5 वर्षीय बालिका नाले में गिर गई। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आधी सड़क बनने से बार बार जाम लग जाता है। एक तरफ सड़क बन गई है, दूसरी और सड़क खुदी हुई पड़ी है, जहां पर कीचड़ हो रहा है, जिससे आवागमन बाधित होता है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द अधूरे सड़क निर्माण को पूरा किया जाए। से पड़ा हुआ है, आए दिन घटना हो रही है। कल भी एक लड़का आया तो गाड़ी से लेके निकल रहा था, कल इसमें नाली में गिर गया। नाली में गिरने से उसके चोट आई थी, और क्या नाम से आने से बच्ची घर से बाहर निकली तो क्या नाम से बार बार दुकान पे आती है तो नाली में गिर गई तो हाथ वहाँ निकाल ली, नहीं तो और कुछ हो जाता तो फिर प्रशासन क्या करता, कुछ क्या करते, कोई कुछ नहीं करते इनमें। इससे पहले आप लोगों ने शिकायत दी थी? शिकायत भी की थी, क्या नाम से उनसे बोला, क्या नाम से ठेकेदार से, ठेकेदार ने बोला कि करेंगे, नल वालों के नाम ढो दिया, नल वाले भी बैठे हैं, नल वाले कह रहे हैं कि वो करेंगे जब हम करेंगे। दो घंटे से 4-5 घंटे तो वो बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। राम सैनी। पिछले 1 महीने से ये रोड खोद के डाल रखा है, 800 फीट, लगभग 800 फीट का, और इस रोड पे आए दिन घटनाएं हुई। आज एक 5 साल की बालिका नाले में गिर गई, और इस रोड का ठेकेदार का मुंशी वो पिछले 15 दिन से पागल बना रहा है हम लोगों को। वो वाटर बॉक्स वालों के ऊपर थोप रहा है और वाटर बॉक्स वाले उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो आज इस बात को लेके पूरी जनता ने इधर की ने जाम लगाया है। क्या मांगे आप लोगों की? मांगे यही है कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण करवाया जाए। कितने दिन से काम बंद है इसका? पिछले 1 महीने से काम बंद है। आपका नाम बताएं। मनोज कुमार शर्मा।